हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपके परिवहन विभाग में वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें हमारे बहुत सारे सेट्स हो चुके हैं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सेट्स लगाने हैं। अगर आपको टाइम बीत जाता है और आप भूल जाते हो तो फिर से एक बार लगाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सेट्स लगाते रहते हो तो आपका क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो वो था सिलोन, ठीक है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, रोम जो इटली में स्थित है नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम किस नदी के किनारे बसा है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है, ये टाइबर नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? कौन सी है? यह है बैटन कप। बैटन कप भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिवस है उसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो कौन सा दिवस है? वो है 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, भास्कर टू द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया एक बुक का नाम आपको बताना है, जो चार में से है एक, कौन सा है वो? वो है लीलावती, ठीक है। भास्कर द्वितीय ये एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने एक बुक लिखा था लीलावती। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह अरविंदो घोष की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, रफी अहमद किदवई पुरस्कार, रफी अहमद किदवई पुरस्कार देश क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं रफी अहमद किदवई पुरस्कार? जल्दी बताओ, रफी अहमद किदवई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 76वां स्थान जो भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? अंतारा, अंतारा किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो अंतारा इंडोनेशिया की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? पर्सिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो पर्सिया ईरान का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरा महासचिव कौन है? दूसरे महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, पहले के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, पहले कौन है? त्रिग्वेली। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे डैग हैमरसोल्ड। क्या नाम था उनका? डैग हैमरसोल्ड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया था? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा चार ऑप्शन में से कौन सा नाम आपको दिख रहा है जो न्यायाधीश पद पर थे? कौन थे वो? वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहले भारतीय हुए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। अगला क्वेश्चन है, सिरका या विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है?
सिरका या विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये होता है एसिटिक एसिड के कारण। विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो इन चारों में से बताओ एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की गई थी। किसका? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटीजन है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है। क्या है एंटीजन? एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को एक्स एक्स तथा वाई वाई, वाई वाई नहीं है ये एक्स वाई, ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स एक्स तथा एक्स वाई लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? देखो अगर संसार में टोटल पॉपुलेशन को आप कंसिडर करो तो इसमें एक्स एक्स और वाई वाई जो लिंग निर्धारण है एक्स एक्स फीमेल का हो गया और एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई ये मेल का हो गया, इसका एक ऑन एन एवरेज रेशियो क्या है? इसका रेशियो 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का केस होता है। ठीक है, ये अगर किसी भी मेल या फीमेल का अगर हम लोग ऑफस्प्रिंग का बात करें तो क्या हो सकता है? एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम में से कोई एक हो सकता है। तो इस संसार में जो आप मेल और फीमेल का रेशियो देखोगे ऑन एन एवरेज तो ये 1:1 ही दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीलिया या जॉन्डिस का कारण क्या है? पीलिया या जॉन्डिस का कारण क्या है? क्या है? यह है वायरस। किसके कारण से होता है पीलिया या जॉन्डिस? वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है यदि माता पिता दोनों रंजकहीन हो यानी एल्बिनो होंगे तो उनकी संतान कैसी होगी? अगर माता और पिता दोनों में एल्बिनो की बीमारी है, ये एल्बिनो रंजकहीन इसका मतलब एक ऐसा बीमारी होता है जो स्किन का कलर जो है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखते हो बहुत लोगों में आप देखते होगे कि स्किन का कलर जो है पूरी तरह से वाइट हो जाता है तो उसको हम लोग एल्बिनो बोलते हैं। तो अगर माता और पिता दोनों ही एल्बिनो से ग्रसित हो तो उनकी संतान कैसे होंगे? आपको ये बताना है कैसे होंगे। तो सभी संतान रंजकहीन ही होंगे या एल्बिनो से ही ग्रसित होंगे। ठीक है, ये एक हेरिडिटिकल बीमारी है। ठीक है, और इसमें सिर्फ स्किन का कलर ही नहीं आँख बाल इन सब का कलर भी खत्म होने का चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन है किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध या कलर ब्लाइंड हो सकती है? ये जो कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी है यह जनरली पुरुषों में देखा जाता है लेकिन एक महिला भी हो सकती है कलर ब्लाइंड, तो किस कंडीशन में हो सकती है ये आपको बताना है। किस कंडीशन में हो सकती है? यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है तो एक नारी भी वर्णांध हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट है, ईस्ट कैसा जीव है? ईस्ट कैसा जीव है? तो ईस्ट एक यूकैरियोटिक जीव है। अगला क्वेश्चन है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है? जब आप आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो डीएनए में आपको क्या क्या मिलता है? थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन। ठीक है, क्या क्या मिलता है? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार चीज़ें मिलती है डीएनए के स्ट्रक्चर में। अब जब आरएनए का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो इसमें से एक बस थायमिन नहीं होता है, थायमिन के बदले में कुछ और होता है और रेस्ट ये तीनों चीज़ आपको आरएनए में भी मिलता है। आपसे वही पूछा जा रहा है कि थायमिन का जगह कौन ले लेता है आरएनए में, तो थायमिन का जगह यूरैसिल ले लेता है। कौन ले लेता है? यूरैसिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो जल्दी बताओ, क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं साइनोफाज। क्या कहलाता है वो? साइनोफाज। ये वो वायरस हैं जो नीले हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? इन चारों ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव कौन सा है इन चारों में से।
कौन सा है? यह है माइकोप्लाज्मा, पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, यह सबसे छोटा जीव होता है। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी का बात किया जा रहा है, राजधानी का बात नहीं किया जा रहा है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये थी राजगिरी या गिरिब्रज, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी बनी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी राजगिरी और गिरिब्रज था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश से बिलोंग करता है? आपने बहुत बार उस वंश के शासक को शासक का आंसर किया है, अब आप बताओ अजातशत्रु किस वंश का था? तो ये था हरियक वंश का, ठीक है। अजातशत्रु हरियक वंश का शासक था और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी उस वक्त गिरिब्रज ही थी, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक और चीज़ याद रखना है आपको, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति ये हुआ था 483 BC में, ठीक है, और वो हुआ था इन्हीं के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखो अभी मैंने प्रथम का बताया, अब आपसे तृतीय पूछ लिया गया, तो तृतीय को याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। तृतीय को याद रखना इसलिए आसान है, अगर आपको जगह याद रहे तो आप इसके जो अध्यक्ष थे उसको भी याद कर लोगे, और अगर अध्यक्ष है तो जगह को भी याद कर लोगे, जो मेरा लॉजिक है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति ये हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, पुत्र से याद रखना, इसमें दोनों चीज में पुत्र है, मोगली पुत्र, ठीक है, यहाँ भी पुत्र आएगा और मोगली पुत्र में भी पुत्र आएगा, तो याद रखना मोगली पुत्र पाटलिपुत्र, मोगली पुत्र पाटलिपुत्र, ये किससे संबंधित है? ये तीसरा बौद्ध संगति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तलका मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? जल्दी बताओ किस देश में है ये तकला मकान? ये चीन में स्थित है, ठीक है, तकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आपने बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन हो सकता है देखा हो, ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर, इस दोनों को कौन जल संधि जोड़ती है? जल्दी से आंसर करो। तो ये है बाब अल मंदब, ठीक है, बाब अल मंदब ये जल संधि है जो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज, ठीक है, ये इंग्लिश टर्म है रिज, RIDG, ठीक है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में अवस्थित है, और इसकी खोज 1962 के आसपास हुई थी, यानी 1962 में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसको नाम क्यों दिया गया, ऐसा नाम क्यों पड़ा? और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर यह अवस्थित है। कौन सी पे? 90 डिग्री ईस्ट पे, ये याद रखना, 90 ईस्ट रिज, अब याद रहेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे स्थित है, इस कारण से इसका नाम ये पड़ा है। और इसकी लंबाई का अगर बात करें तो लंबाई ऑलमोस्ट 2800 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आपको यहाँ पे अल्टीमेटली ये पूछ लिया गया कि कौन कौन सा राजधानी है, अब आप फंस गए, यही तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपके साथ ट्विस्ट करता है। तो अब बताओ कौन सा एक ऐसा जगह है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, आपको पता है कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही एक जगह है, ठीक है, जो न्यू वेल्स स्टेट में पड़ता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी कहाँ है, तो न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स सिडनी का एक स्टेट है, उसका कैपिटल है, न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है और उसका कैपिटल है सिडनी, किसी देश का ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, जल्दी बताओ कौन सा है? तो ये है चीन, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन में होता है। अच्छा, चीन के बाद अगर बात करें तो ये है यूएसए, सेकंड पोजीशन भी आपको याद रखना है, ठीक है, सेकंड यूएसए और तीसरे पोजीशन पे इंडिया, तो कम से कम तीन तो आप याद रख ही लो, और अगर ज़्यादा याद रखना हो तो चौथे पे है ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद पाँचवें नंबर पे रूस वगैरह आता है, नहीं रूस का शायद और पीछे है, आप ये चार याद रखो, ठीक है, पहला चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा इंडिया, और चौथा किसका है? चौथा है ऑस्ट्रेलिया का, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। अमृतसर और शिमला,
अक्षांश, यानी मान लो ये अगर अक्षांश है तो यहाँ पे अमृतसर है और यहाँ पे शिमला है, तो फिर क्यों दोनों के जलवायु में क्यों अंतर आ रहा है? जल्दी बताओ, ऑप्शन को पढ़ो अच्छे से और आंसर करो, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ इसमें, जल्दी से आंसर करो। चलो समय समाप्त। अब आपको ध्यान से देखना है, जब एक ही अक्षांश है तो वहाँ का जो जलवायु है वह किस चीज़ पर निर्भर करेगा? तो वहाँ पे देखो, अगर ये नीचे है और ये ऊंचाई पर स्थित है तो दोनों के जलवायु में ऑब्वियस अंतर आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आती है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही उनका जलवायु भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कोयले की खाने स्थित है। झारखंड में कोयले की खाने झरिया में स्थित है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा और आप गलत आंसर करके आगे बढ़ोगे। जल्दी से आंसर करो सब कोई, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? आपको जो सी वाटर में लवणता मिलती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, वो होगा नदियाँ। अब आप लोग को लग रहा होगा कि नदियों का पानी तो मीठा होता है, तो फिर सागरीय लवणता का स्रोत ये कैसे हो सकता है? यह बहुत ऑब्वियस सा कन्फ्यूजन है। लेकिन देखो होता क्या है ना, नदी जब चलती है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स वगैरह को लपेटते हुए चलती है। ठीक है, जो जाके ये समुद्र में डिपोजिट कर देती है, उनकी उसके पास तो बचता नहीं है कुछ, वो जाके वह डिपोजिट कर देती है। ठीक है, अब वो डिपोजिशन के कारण समुद्र का पानी खारा होता जाता है, खारा होता जाता है, ये एक कारण है। दूसरा कारण इसका, ज्वालामुखी से निस्तरित जो राख है, ज्वालामुखी वगैरह के कारण भी उसका जो पानी है वो खारा होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब दोनों ऑप्शन में है तो मुख्य स्रोत क्या होगा? मुख्य स्रोत हो जाएगा नदियाँ। ठीक है, नदियाँ अपने बहाव से लेके जाती है। अच्छा, ये जनरली कब होता है? नदी का पानी इसलिए खारा नहीं हो पाता है क्योंकि जब बहुत अधिक वर्षा वगैरह होती है ना, उस वक्त ऐसा होता है कि जो पहाड़ वाले क्षेत्र से नदियाँ आ रही है या कहीं से भी आ रहे हैं, जो भी मिनरल्स वगैरह है उसको पूरा घसीट के लेके जाती है और समुद्र में जाके डिपोजिट कर देती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का देश सबसे बड़ा राज्य है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, यानी जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, कोई बिना किसी डाउट के। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, यानी किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? जल्दी से आंसर करो, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को, टाटा टिस्को आपने सुना होगा। ठीक है, तो आंसर आपको आ गया होगा, यह है टाटा नगर। ठीक है, टाटा टिस्को याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? यहाँ पे दो राज्य हैं। ठीक है, तो दोनों राज्य को आपको देख के चलना है कि किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, कौन सा राज्य हो जाएगा वो सबसे ज्यादा? तो आप जान रही हो उत्तर प्रदेश है, तो आपका ये दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र है, राजस्थान का इसमें कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो सबसे अधिक गन्ना का पैदावार कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग सबसे अधिक रहते हैं? तो भारत में जिस राज्य में सबसे अधिक लोग हैं, आपको याद रखने में आसानी होगा, याद रखना, जिस राज्य में सबसे अधिक लोग रहते हैं उसी राज्य में अनुसूचित लोग भी अधिक रहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत लोग इसमें अलग अलग आंसर मार लेते हैं, पर आपको एग्जैक्ट चीजें याद रखनी है, बस जो लॉजिक मैंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय? ये स्थित है हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? इंडस्ट्रियल कमिश्नर्स ऑफिस। ठीक है, इंडस्ट्रियल कमिश्नर्स ऑफिस ऑफ बिहार कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ स्थित है? तो ये हमारे कैपिटल सिटी पटना में स्थित है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से किसके लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सब इसमें कंफ्यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप लोग कभी सोच ही नहीं सकते। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसने पढ़ा है सिर्फ उसी को पता चलेगा। ठीक है, उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ आता है और ये बाढ़ के लिए फेमस है। ठीक है, बिहार का शोक नदी आप सबको पता होगा, किसको कहते हैं? कोसी को।
अगला क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह आपको बताना है। तो कौन सा वो अधिनियम है? वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम। दो अधिनियम आपको याद रखना है, 1919, ठीक है। दो अधिनियम कौन कौन सा है? 1919 और 1935। कोई मुझे बता सकते हो 1919 और 1935 में क्या अंतर है? 1935 तो आपको पता चल गया प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था, ठीक है, लेकिन 1919 के साथ मुझे कंपेयर करके कमेंट में अच्छे से आराम से बताना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और आराम से इसको बताओ, 1919 और 1935 के अधिनियम में क्या अंतर है और क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर भी बोल सकते हो आप, क्वेश्चन को ट्विस्टेड भी बोल सकते हो या आपके साथ मजाक भी बोल सकते हो, ठीक है, जो बोलना है बोलो, लेकिन आपको आंसर करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे देखना है, जब आप शुरुआत में देखोगे हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, ठीक है, भाग 22 और 12 अनुसूचियां, लेकिन शुरुआत में क्या 12 अनुसूचियां थी? आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस तो आपने पढ़ा होगा 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, प्रारंभ इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इसको 12 अनुसूची किया गया। तो यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर यही होगा, ठीक है, और कोई मैच कर नहीं रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में दो चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना, बाद में ये बोलोगे कि सर ने मुझे गलत पढ़ा दिया, ध्यान से सुनना दो चीजें। अभी जो आप पढ़ते हो बुक में 444 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां, क्लियर है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं थोड़ा सा अलग, अभी जो वर्तमान में है अगर 444, क्योंकि बहुत दिन से शायद ये क्वेश्चन आया नहीं है, अगर आ गया एग्जामिनर आपको अभी वर्तमान का चेक करना चाह रहा है तो आपका आंसर जो वो हो जाएगा 448, ठीक है, अनुच्छेद टोटल 448, भाग टोटल 25 और अनुसूचियां 12, ये मैं बोल रहा हूं लेटेस्ट डाटा, ये क्वेश्चन में रहेगा तभी आप इसको मानना, अगर 448 ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर जो है वो 444, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो आप पढ़ रहे हो बुक में कब से वही होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना सर ने मुझे गलत पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को करती है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करो, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वह होता है राज्यपाल, बार बार आपको ध्यान देना है, संवैधानिक प्रमुख, अगर भारत देश का संवैधानिक प्रमुख का बात किया जाए तो राष्ट्रपति होते हैं और राज्य का बात किया जाए तो राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब तो क्वेश्चन बस लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी होते हैं, यहां भी है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी रैपिड डाक सर्विसेज का आरंभ कब किया? रैपिड पोस्टल सर्विसेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और यहीं पे तो आप मार खा जाते हो, ठीक है। तो कुरियर सेवा जब प्रारंभ हो चुकी थी तो डाक सेवा को बहुत सारा नुकसान हो रहा था, तो डाक ने क्या किया, इसको कॉम्पीट करने के लिए एक न्यू सेवा शुरू कर दी जिसका नाम था क्या, द्रुत डाक सेवा या रैपिड पोस्टल सर्विसेज। तो आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में, कब हुई थी 1986 में, ठीक है, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, द्विस्तरीय, आप याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अशोक मेहता समिति और दूसरा कौन सा है, बलवंत राय मेहता समिति, तो हम लोग अभी बलवंत राय मेहता समिति को फॉलो करते हैं जिसने त्रिस्तरीय दिया था, लेकिन अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? अब देखो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है, अब यहां से थोड़ा सा अगर लॉजिक रहेगा आपके पास तो आप बिना किसी डाउट के आंसर कर सकते हो। आप याद रखना, नेपाल के लिए सिर्फ बिहार से ही फ्लाइट उठती है, ठीक है, अगर नेपाल आपको फ्लाइट से जाना है तो बिहार से मिलेगी। अब सारे ऑप्शन को देख लो, नेपाल एयरलाइंस एक ही में है, तो यानी एग्जामिनर भी चाहता है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक दिया जाए, बिना टाइम वेस्ट किए आप आंसर कर लो, तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और
रॉयल नेपाल एयरलाइंस, ये हो जाएगा बिहार से ये सभी विमानें उड़ान भरती है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग ने वर्ष 1993 से 1994 में बिहार के लिए गरीब रेखा के नीचे या सॉरी गरीबी रेखा के नीचे जिसको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन का निम्नलिखित प्रतिशत परिकलित किया था, यानी 1993-1994 में जो बीपीएल है उसके लिए जो रेखा जो तैयार किया था वो कितना परसेंटेज था, वो था लगभग 55%। क्या होगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा 55%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से वर्ष 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। क्या बोला जा रहा है, फिर ध्यान से अच्छे से पढ़ो कि हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा जो था उसको 1952 में ही खत्म कर दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है, भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके हाथों में रह गया, खत्म होने के बाद भी ये रह गया, प्रधान जाति के हिंदू, ठीक है, प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में वो अधिकार रह गया। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बच्चा चीखते चीखते आया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं लेकर लाऊंगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कितने थे, वो थे टोटल 72 प्रतिनिधि जिन्होंने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत हो या कोई भी हो पहले भारतीय गवर्नर जनरल गोपाल आचार्य ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, ये आंसर करो आप, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, देखो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, आपको कब क्या आएगा क्वेश्चन आपको पता नहीं है, कई बार इजी आ जाते हैं कई बार टफ आ जाते हैं, आज अभी बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन आए हैं तो आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, जल्दी बताओ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में हुई थी, 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है ये, 1920 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो हमारे बापू के द्वारा यानी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन चारों चीजों में से किस चीज का स्थापना हुआ, किसका स्थापना हुआ, नियंत्रण बोर्ड का, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, कब लागू किया गया था, इसको 1784 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है, कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है, ये आपको बताना है, कौन है वो, वह है प्रांजल पाटिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलता है, क्या दिया हुआ है, एक श्वेत ठोस पदार्थ है ए, उसको गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूना को चूना के पानी को दूधिया बना देता है, ठीक है, बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है, तदनुसार वह ठोस ए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर कर पाओगे, जल्दी बताओ क्या है आंसर, आंसर है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कलर में बदल देता है, ठीक है, लेकिन इसका जो कलर रहता है, बचा हुआ जो रेसिड्यू रहता है, रेसिड्यूल जो भी रहते हैं उसका जो कलर होता है वह येलोइश पे रहता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है फिर से वो वाइट हो जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, सबसे सशक्त स्कंदक इन चारों ऑप्शंस में से कौन है, जल्दी बताओ कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रथम भारतीय कलाकार के नाम पर एक
ग्रह का नाम रखा गया है। तो किसके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है? कौन है वो? वह है पंडित जसराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी से लोहे तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से अगर लोहे को या मैग्नीज को हटाना हो तो आप कौन सा प्रक्रिया अपनाओगे? कौन सा प्रक्रिया है वो? वो प्रक्रिया है वायु मिश्रण यानी एरेशन प्रक्रिया। ठीक है, एरेशन प्रक्रिया से आप हटा सकते हो पानी से लोहा और मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किससे मापा जाता है? सीपीयू जो अपना काम करता है, ठीक है, उसके काम करने का जो स्पीड है उसको हम लोग जनरली किसमें मेजर करते हैं? किसमें मेजर करते हैं? MIPS में। किसमें? MIPS में इसको हम लोग जनरली मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली? मनोहर लाल खट्टर दोबारा यह बने हैं मुख्यमंत्री किस राज्य के? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? कौन होता है? यह होता है फर्म। ठीक है, अगर पूर्ण स्पर्धा का बात किया जाए इसमें कीमत ग्रहीता फर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका सदस्य कौन नहीं है ये आपको बताना है। चलिए बताओ कौन सा एक देश है जो इसका सदस्य नहीं है? आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ओपेक के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, ओपेक का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसमें अभी जो टोटल देश शामिल हैं, टोटल इसके जो सदस्य हैं वो हैं 14। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त जितने देश इसमें शामिल थे उसकी संख्या है मात्र 5। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 61 से यह लागू हुआ। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी लेकिन इफेक्ट में कब से आया? 61 से। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन होगा अगर किसी एक को टिक करना है तो आपका एक हो जाएगा। ठीक है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जाता है और आपको याद भी रहना चाहिए कौन कौन सा है। वो है इराक, ईरान, ठीक है, कुवैत, और कौन था? और था सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके बाद एक और कौन सा देश था? एक और देश था वेनेजुएला। ठीक है, कौन सा था? वेनेजुएला। तो ये सारे 5 ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी। अभी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक अफ्रीकी देश है जो इसमें शामिल नहीं था? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, रेस्ट याद रखो, अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, ये सारे इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से आपको यूरिएज एंजाइम मिलता है। कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएज। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है? द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया आनंद कुमार। आनंद कुमार को जानते हो, ये पटना के हैं, एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, Super 30 ये चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, उस रोजगार स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विषम इकाई को पहचानिए।
तो इन चारों में से आपको विषम इकाई यानी ऑड को आउट करना है, ठीक है, ऑड वन आउट, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। तो इसमें से आपका कैस्पियन सागर ऑड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट जो तीन है ये कहीं ना कहीं समुद्र या नदी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन कैस्पियन सागर जो है यह इनलैंड एक आप बोल सकते हो वाटर बॉडी है, ठीक है, चारों तरफ से लैंड है, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग रख सकते हैं इन चारों में से अगर कंपेयर करें तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो इन चारों में से समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा है, वो है आपका मजदूरी संघ, ठीक है, नागरिकता, स्थानीय शासन और अंतर्राज्यीय नदियां। नागरिकता आपका केंद्र सूची में आता है, स्थानीय शासन आपका राज्य सूची में आता है, अंतर्राज्यीय नदियां ये आपका केंद्र सूची में आता है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा था समवर्ती सूची में कौन आता है, तो ये आता है मजदूरी संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया आपका, जल्दी बताओ, या आपको याद है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन, डाटा भी चेंज नहीं किया जाता है। क्या है क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन अगर 4 महीने का हो तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है, आधा जीवन 4 महीने का, आधा जीवन 4 महीने का है, 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही जो आंसर है वह है 8 महीनों में। किस तरह से होगा, देखो कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस बेसिक चीजें हैं, इसको दिमाग में रखो किस तरह से ये हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, आधा जीवन 4 महीने का होता है, यानी 4 महीनों में इसका आधा पार्ट नष्ट हो जाएगा, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और फिर अगले 4 महीनों को अगर हम लोग बात करें तो आधा पार्ट नष्ट हो चुका है, आधा ही बचा हुआ है, तो अगले 4 महीनों में इसका आधा खत्म होगा, इसका नष्ट होने का जो ये जीवन बोला जाता है उसका मतलब होता है कभी भी किसी भी स्टेज पे आप इसको लोगे तो ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर 4 महीनों में आधा नष्ट हुआ, 4 महीनों का इसका जो सर्किल है यहाँ पे जो दिया हुआ है, आधा जीवन 4 महीनों का होता है, तो 4 महीनों के बाद ये तो आधा हो जाएगा, लेकिन 4 महीनों के बाद ये जो आधा बचा, ठीक है, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, क्लियर है। अब अगले 4 महीनों का अगर बात करें तो ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका आधा समाप्त होगा, ठीक है, यानी ये पार्ट खत्म हो गया। अब अगर फिर और अगले 4 महीने का बात करेंगे तो भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, जितना बचा हुआ है यानी 1/4 बचा हुआ है, 1/4 का आधा खत्म होगा, इस तरह से ये प्रक्रिया आगे चलते रहता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने महीनों में ये इसका 3/4 भाग नष्ट हो जाएगा, तो 4 महीनों में आधा भाग, अगले 4 महीनों में इसका 1/4 भाग नष्ट होगा, ठीक है, तो 1/4 भाग अगर अगले 4 महीनों में नष्ट होगा और आधा भाग पहले 4 महीनों में, तो टोटल आप जोड़ोगे तो 3/4 आपका हो गया, ठीक है, आधा भाग और 1/4, 3/4 हो गया, यानी 3/4 8 महीनों में नष्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है, इन चारों में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा नहीं है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, शांबर वन्यजीव अभयारण्य है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में नहीं है बल्कि ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसमें भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एनिमोफिली का आशय क्या है, एनिमोफिली का आशय क्या है, एनिमोफिली का आशय है आंधी द्वारा परागण, आंधी द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, साइनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है, ग्रेनाइट चट्टानों का कायांतरण होने के बाद किस चीज में वह बदल जाता है, यानी कायांतरित चट्टान का नाम आपको बताना है, कौन सा वो चट्टान है, वो है नीस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है,
इसमें से ठोस स्नेहक कौन सा है? कौन सा है? यह है ग्रेफाइट। बहुत बार आपने पढ़ा है ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? कार्बन क्रेडिट, ये जो कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना है ये कहाँ की गई थी, कहाँ से इसका जन्म हुआ था? ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के, जब क्योटो प्रोटोकॉल तय किया गया था उसी वक्त कार्बन क्रेडिट का भी परिकल्पना सामने आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित कौन सा संशोधन है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है, यह है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो यह किया जाता है चौथी अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? जल्दी बताओ, किसने यह स्टेटमेंट दिया था नीति निर्देशक तत्व को लेकर? तो यह स्टेटमेंट दिया गया था केटी शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए चीफ कौन है? यह है आरकेएस भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2019 की घोषणा हुई है जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है? तो ड्रामा सीरीज का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है गेम्स ऑफ थ्रोन्स को, गेम ऑफ थ्रोन्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कोई महिला बनी है, तो वह कौन है? वह है रूपा गुरुनाथ। ठीक है, यह तमिलनाडु क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित आपक उपचार को क्या कहते हैं? यानी संकर के मेथड से जो किसी भी चीज का अगर उपचार किया जाए तो उसके उपचार को हम लोग जैविक उपचार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? अमुक्त माल्यदा या अमुक्त माल्यद या किसकी रचना है? यह कृष्णदेव राय की रचना है। किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। अगला क्वेश्चन है, दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा जो है वह प्रस्वेदी होता है। कैसा होता है? प्रस्वेदी। अब आपके लिए प्रस्वेदी, दाहक सोडा, ये सब सर के ऊपर गया होगा, थोड़ा सा इसको समझ लो, आसान हो जाएगा। प्रस्वेदी जो है इसको इंग्लिश में डी लिक्विशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी लिक्विशेंट। ठीक है, क्या होता है ये डी लिक्विशेंट प्रस्वेदी, दोनों तो आपके लिए समान ही हो गया। तो देखो, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो आसानी से जो एटमोसफेयर है उससे ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो जो आसानी से ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब कर ले या नमी को अब्सॉर्ब कर ले उसको हम लोग डी लिक्विशेंट बोलते हैं। ठीक है, और दाहक सोडा क्या हुआ? ये कास्टिक सोडा को ही बोला गया है। ठीक है, कास्टिक सोडा को यहाँ पे दाहक सोडा लिखा गया है। तो कास्टिक सोडा कैसा होता है? ये डी लिक्विशेंट मटेरियल है। अगला क्वेश्चन है, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी से बता दो, क्यों लाल कलर का रोशनी यूज किया जाता है? क्योंकि यह सबसे कम बिखरता है और लंबी दूरी तक आसानी से पहचाना जा सकता है इसको। ठीक है, या आपसे दूसरा क्वेश्चन भी, आपसे दूसरा ऑप्शन भी आपको डाला जा सकता था, इसका तरंग दैर्ध्य जो है वह सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस वर्ड इधर उधर आपसे डाल के पूछ लिया जाता है, अपन कंफ्यूज जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018, और इससे किसको सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ, किसको सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है सोहिनी गांगुली को। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए अब कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।